एक तरफ नोट वाली पार्टी है, पूंजीपतियों की पार्टियां हैं, और एक तरफ हमारी गरीबों की पार्टी जो बाबा साहब की विचारधारा पे चलती है, महात्मा फुले की विचारधारा पे चलती है, साहू की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है। और आज जनता को ये विश्वास हो गया है कि बहुजन समाज पार्टी ही बाबा साहब के सपनों को पूरा करेगी, और जिस दिन भी SP सत्ता में आ जाएगी किसी के ऊपर जुल्म जाति अत्याचार नहीं होगा, उनके बच्चों के लिए शिक्षा का माहौल बनेगा, रोजगार के माहौल बनेगा, और उनकी गरीबी खत्म होगी, छुआछूत खत्म होगी, ऊंच नीच की भावना खत्म होगी। दर्शकों, हमारे साथ में रामजी गौतम साहब हैं, और आपके पास तो प्रदेशों की जवाबदारी है इस वक्त, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, अभी आप तेलंगाना में भी हैं, क्या स्थितियां हैं तमाम इन सारे प्रदेशों के अंदर? बहुजन समाज पार्टी बड़ी ताकत के साथ में, मजबूती के साथ में चुनाव लड़ रही है, और आज की जो सिचुएशन है, आप भी तो जरा कई दिनों से मेरी समझ से आए हुए होंगे, जी जी जी, और आज जो लोगों में जोश है कि एक तरफ नोट वाली पार्टी है, पूंजीपतियों की पार्टियां हैं, और एक तरफ हमारी गरीबों की पार्टी जो बाबा साहब की विचारधारा पे चलती है, महात्मा फुले की विचारधारा पे चलती है, साहू की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है, और आज जनता को ये विश्वास हो गया है कि बहुजन समाज पार्टी ही बाबा साहब के सपनों को पूरा करेगी, और जिस दिन भी SP सत्ता में आ जाएगी किसी के ऊपर जुल्म जाति अत्याचार नहीं होगा, उनके बच्चों के लिए शिक्षा का माहौल बनेगा, रोजगार के माहौल बनेगा, और उनकी गरीबी खत्म होगी, छुआछूत खत्म होगी, ऊंच नीच की भावना खत्म होगी, जी जी, और भ्रष्टाचारियों को जेल में भी डालने का काम करेंगे, जी जी जी। जिस तरह से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जो है वो एक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से गठबंधन रहा, यहाँ पर ऐसी परिस्थितियां बनी थी क्या? नहीं, ऐसी कोई, देखिए यहाँ पे जो पार्टियां हैं, जो भी पार्टियां यहाँ पे अभी तक सत्ता में रही हैं, उन लोगों ने जनता को लूटने का ही सिर्फ काम किया है, तो उनके साथ में हमारी कोई संभावना नहीं बनी। जी जी जी। हमारी जो लड़ाई है वो पूंजीपतियों के साथ में, धन्ना सेठों वाली पार्टियों के साथ में, तो उनके साथ हम कभी जा ही नहीं सकते। हमारी लड़ाई नोट वालों से है, हम वोट वाले हैं, वो नोट वाले हैं, तो उनके साथ हम जा ही नहीं सकते। पिछले देश के आज़ादी के बाद 75 सालों तक हमारे समाज के हालात बदले नहीं हैं, आज भी समाज गरीब है, आज भी समाज पिछड़ा है, उनके साथ जातिवाद होता है, उनके पर रोजगार नहीं है। अभी बताया कि 4 महीने यहाँ रोजगार मिलता है, बाकी 8 महीने इनको कहीं दूसरे प्रदेशों में या कहीं पे दूसरी जगह पे जाके मजदूरी करनी पड़ती। ये हालात आज भी जिस देश के अंदर हैं, किस मुँह से कांग्रेस BRS बोलती है कि हम इनके लिए विकास कर रहे हैं, 10 सालों से BRS यहाँ पर बैठी है, उसने से लूटने काम किया है, इनके लिए कोई काम नहीं किया। आपके साथी में आया हूँ सिरपुर से, मैंने कहीं भी स्कूल नहीं देखे, कहीं भी इंटर कॉलेज नहीं देखा, कहीं भी डिग्री कॉलेज दिखाई नहीं पड़ा। BSP की सोच है कि अगर आप जो बाबा साहब कहते थे शिक्षा की तरफ बढ़ो, तो शिक्षा की तरफ बढ़ेंगे तब जब हमारे पास स्कूल होंगे, जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो BSP की सोच यही है कि BSP जब पावर में आएगी तो सबसे पहले मैं अपने जो गरीब समाज है, सब समाज के लोगों के लिए शिक्षा के रास्ते खोलेंगे, उनके लिए द्वार खोलेंगे, उनके लिए सारे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करेंगे, ताकि इनके बच्चे पढ़ लिख करके मजदूर ना बने, पढ़ लिख करके अधिकारी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और इस देश के अंदर सामाजिक भागीदारी में अपनी सहभागिता निभाएं। मध्य प्रदेश में भी बहन जी ने अच्छी बड़ी रैलियां की हैं, और यहाँ की रैली भी एक अभूतपूर्व रैली रही है, तो इन रैलियों का जो प्रभाव पड़ा है इसके बाद कितनी प्रफुल्लित है? हमारे पूरे प्रदेश में यूनिट और पूरे हमारे पार्टी के सपोर्टर और वोटर भी पूरी तरह से प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं, और इवन आप देखें बच्चे बच्चे में आज एक ही आवाज निकल रही है, एनगू कुर्ते मना वोट, एनगू कुर्ते मना वोट, मने कि मेरा चुनाव चिन्ह हाथी है, हमारा वोट हाथी को जाएगा। बच्चा भी बोला, आप देखिए ये पायल लड़की, पायल है ना, ये पायल है, कितने साल की है, 7-7 ईयर को, 8 ईयर की, 10 ईयर, 10 ईयर की बच्ची है, इसे क्या पता पॉलिटिक्स क्या होती, लेकिन ये फीलिंग है, ये भावनाएं हैं, बाबा साहब ने जो वो दिया है, ये आने वाली बच्चे इस देश के अंदर राज करेंगे 100%, और BSP इस तरफ बढ़ चुकी है, अब BSP रुकने वाली कहीं नहीं। जी जी जी। तो ये लगातार जो है चुनाव प्रचार चल रहे हैं दर्शकों, और इस वक्त डोर टू डोर के साथ साथ में इस प्रकार की नुक्कड़ सभाएं और तमाम छोटी छोटी रैलियां गांव में हमको देखने को मिल रही हैं, ये ऐसे दृश्य अक्सर उत्तर प्रदेश में होते हैं, ये पहली बार हम देख रहे हैं कि तेलंगाना में भी कुछ ऐसे दृश्य बन रहे हैं जो बसपा के लिए बन रहे हैं। दर्शकों, इस तमाम स्थितियों को देखते हुए अंत में संदेश क्या देना चाहेंगे तमाम वोटर्स? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि तमाम तरह के ऑफर, तमाम तरह के प्रलोभन, तमाम तरह के साम दाम दंड भेद, ये सारी पार्टियां
करने काम करेंगी, क्योंकि चुनाव यहाँ पे 30 तारीख को है। तो मैं तमाम मेरे जो समर्थक हैं, जनता है, पार्टी के वोटर्स हैं और जो मेरे बहुजन समाज के लोग हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि किसी के प्रलोभन में, किसी की बनाई हुई बातों में नहीं पड़ना है। जो यहाँ पे साम दाम दंड भेद माने कि आखिरी में पैसा बांटते हैं, पैसे के दम पर हमारे वोट को खरीदने का काम करते हैं, इनके किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। इस बार अगर आपको अपने ऊपर जुल्म जाति अत्याचार खत्म करना है, अपनी बेचारगी खत्म करनी है, अपनी बेरोजगारी खत्म करनी है, अपनी गरीबी खत्म करनी है, शिक्षा के नए आयाम बनाने हैं, तो हाथी वाला बटन दबा दीजिए और बाकी सब हम सब पर छोड़ दीजिए।